शनिवार देर शाम राजिम विधानसभा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए बयान का पलटवार किया है। राजिम विधानसभा के दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बड़ा बयान दिया। दरअसल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया गया है कि अगर मोदी को इंडिया से इतनी ही नफरत है तो योजनाओं के नामों में इंडिया क्यों। इस बयान पर साव ने कहा कि इंडिया का विवाद लेकर आने वाली कांग्रेस पार्टी है। जब भी भारत का नाम आता है इन्हें दर्द होता, सनातन के नाम पर भी दर्द होने लगता है। अब अरुण साव ने महागठबंधन को लेकर कहा कि यह महाघमंडी गठबंधन है कि ये इंडिया का विवाद लेकर आने वाली कांग्रेस पार्टी है और जब भी भारत का नाम आता है इन्हें दर्द होता है। इन्हें न तो संविधान से मतलब है न देश से मतलब है। हमारे संविधान में ही लिखा है भारत दैट इज इंडिया, और इसलिए हमेशा जब भी भारत का नाम आता है कांग्रेस के नेताओं को दर्द होता है। अब तो इन्हें सनातन के नाम पर भी दर्द होने लगा है। सनातन के खिलाफ जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं ऐसा लगता है कि ये घमंडी गठबंधन है। इनके हिडन एजेंडे में है सनातन को अपमानित करना, सनातनियों को अपमानित करना, भारत को और भारतवासियों को अपमानित करना इनकी नियति बन गई है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।